हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे थे लूसेंट जी के और उसमें हमारा मॉडर्न हिस्ट्री चल रहा है और आज हम करेंगे आईएनसी के। आईएनसी कब बनी थी, कैसे बनी थी। आईएनसी जो थी वो सबसे पहले जब बनाई गई थी, फॉर्म हुई थी, उस टाइम पे इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन और ये बनी थी 1884 में। और इसको किसने बनाया था, एओ ह्यूम ने, जो कि एक इंग्लिश मैन थे, एक ब्रिटिशर्स थे और वो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट भी थे। फिर इसकी जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो पुणे में रखी गई थी दिसंबर 1885 में, बट बाद में जो इसकी कॉन्फ्रेंस का वेन्यू था वो चेंज कर दिया गया। पहले तो पुणे में रखी थी बट बाद में वो चेंज करके इसका जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो बॉम्बे में हुई थी। रीज़न क्या था, इसके बहुत सारे रीजन्स थे बट जो मेन रीज़न था वो था कि पुणे में उस टाइम पे कॉलरा बहुत फैल चुका था, तो इसीलिए इसकी जो कॉन्फ्रेंस थी उसका वेन्यू चेंज कर दिया गया था। और जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें बहुत सारे इंडियन लीडर्स भी आए थे और उन्होंने इसको सपोर्ट भी करा था। तो उस टाइम पे जब कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उस टाइम पे जो लीडर्स थे उन्होंने इसका नाम बदल कर क्या रख दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहले इसका नाम था इंडियन नेशनल यूनियन और फिर इसका नाम बदल कर रख दिया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद बात आती है फर्स्ट सेशन की। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसका फर्स्ट सेशन हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था और इसके प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी। जो फर्स्ट सेशन था, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो जाती है कि इसका जो फर्स्ट सेशन था वो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में हुआ था और इसका जो प्रेसिडेंट था उस टाइम पे वो थे WC बैनर्जी। WC बैनर्जी कलकत्ता के एक लॉयर थे और जो फर्स्ट सेशन हुआ था उसको 72 डेलीगेट्स ने अटेंड करा था। फिर 1885 के बाद में से हर साल INC की एक मीटिंग होती ही थी, ठीक है। तो INC की जो मीटिंग होती थी उसमें क्या चीज़ें बताई जाती थी, उसमें इंडिया जो जितने भी लीडर्स आते थे उनको इंडिया की इंडिपेंडेंस के बारे में बताया जाता था कि कैसे हमने अपनी पॉलिसीज ब्रिटिशर्स को बतानी है और कैसे हमने इंडिपेंडेंस लेनी है। अब जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की फाउंडेशन हुई थी 1885 में, तो उसके बाद में से जो इंडिया का इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल चल रहा था वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलना शुरू हो गया था। पहले भी इंडियंस लड़ रहे थे इंडिपेंडेंस के लिए बट पहले कोई ऑर्गेनाइज्ड तरीके से नहीं लड़ रहे थे, उनके पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, बट अब उनके पास एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन मिल गई थी जिसकी वजह से जो इंडिया का इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल था वो एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में चलना शुरू हो गया। फिर हमने देखा कि जो INC थी, पहले 20 सालों तक INC मॉडरेट डिमांड्स रखती रही ब्रिटिशर्स के सामने, मॉडरेट डिमांड्स। अब इसमें ना दो वर्ड्स देखने को मिलेंगे, एक तो मॉडरेट लीडर्स आएंगे, एक आएंगे एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। इसमें फर्क क्या है दोनों में, जो मॉडरेट्स होते हैं मॉडरेट्स अपनी डिमांड्स प्यार से समझाते हैं, अपनी पॉलिसीज उनको बताते हैं कि हाँ हम ये चाहते हैं, सिर्फ वो बताते हैं, लीगल तरीके से काम करते हैं जो मॉडरेट्स हैं। बट जो एक्सट्रीमिस्ट है ना, एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट लड़ाई झगड़ा करने में विश्वास रखते हैं कि या तो हमारी डिमांड मांगो मानो, अगर आप हमारी डिमांड नहीं मानोगे तो हम करेंगे लड़ाई, हम सीधा रिवोल्ट कर देंगे, जो एक्सट्रीमिस्ट है। तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में यही एक डिफरेंस है, मॉडरेट प्यार से बात समझाते हैं और एक्सट्रीमिस्ट लड़ाई से काम चलाते हैं, ठीक है। तो पहले 20 साल तक जो INC थी वो भी अपनी मॉडरेट डिमांड्स अंग्रेजों के सामने रखती रही, ब्रिटिशर्स के सामने रखती रही, क्योंकि उनको लगता था कि अगर हम प्यार से उनको बताएंगे, अगर हम अपनी डिमांड्स उनके सामने रखेंगे कि हम ये चाहते हैं, तो हो सकता है ब्रिटिशर्स हमारी डिमांड्स मान जाएं। उनका मानना था कि अगर हम अग्रेसिव तरीके से इंडिपेंडेंस लेने की कोशिश करेंगे तो आगे से ब्रिटिशर्स भी तो हमें सुप्रेस करेंगे ना, तो इसीलिए वो मॉडरेट तरीके से उनको समझा रहे थे। बट इससे हुआ गया, इससे कुछ नहीं हुआ, इसके चलते हुए आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। अब इंडियन काउंसिल एक्ट में इन्होंने क्या दिया, इंडियन काउंसिल एक्ट में इन्होंने बोल दिया कि ठीक है अगर आप कहते हो तो आपके कुछ इंडियंस हम अपनी काउंसिल में ले लेंगे, बट उनको हम इनडायरेक्टली इलेक्ट करेंगे और हमारी काउंसिल में जो मेजॉरिटी होगी वो ब्रिटिशर्स की ही रहेगी। तो अब इसमें क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, दो चार इंडियंस वहां पे चले भी जाएंगे तो उनकी बात को कौन ही मानेगा, कोई नहीं मानेगा। तो इसीलिए जो INC थी पहले 20 सालों तक वो मॉडरेट डिमांड्स रखती रही बट उनका कुछ भी नहीं बना। अब यहाँ पे कुछ मॉडरेट लीडर्स के नाम है, जैसे कि दादाभाई नौरोजी, एओ ह्यूम हो गए, बदरुद्दीन त्याब जी, MG राणा डे, WC बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सी शंकरन नायर, मदन मोहन मालविया। तो ये कुछ मॉडरेट लीडर्स के नाम है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार गो थ्रू हो सकते हो आप। तो अब इसके बाद आते हैं
आईएनसी के बारे में कुछ ओपिनियंस के लोगों का क्या मानना था आईएनसी के बारे में। जो लॉर्ड डफरिन थे वो क्या बोलते थे कि आईएनसी रिप्रेजेंट्स ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटीज। वो बोलते थे कि जो आईएनसी है उसमें कुछ तो लोग हैं, उससे क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड कर्जन क्या बोलते थे, लॉर्ड कर्जन कहते थे कि जो कांग्रेस है, कांग्रेस इतनी ज़्यादा स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट उसके चलते हुए भी इनके जो एम्बिशंस है वो बहुत बड़े बड़े रखे हुए हैं, तो और इंडिया जैसी कंट्री में ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ नहीं होने वाला, इसको हम आराम से दबा सकते हैं। औरोबिंदो घोष का क्या बोलना था, औरोबिंदो घोष जो थे वो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, ठीक है, तो वो किस चीज़ में विश्वास रखते थे, वो उनका था कि अगर आपने इंडिपेंडेंस लेनी है तो हमको रिवोल्ट करना ही पड़ेगा, लड़ाई करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए औरोबिंदो घोष का क्या मानना था कि आईएनसी इज अ बैगिंग इंस्टीट्यूट, ये एक भिखारियों की तरह ब्रिटिशर से मांग रहे हैं, उनसे अपने हकों को भिखारियों की तरह मांग रहे हैं, जबकि ऐसे ब्रिटिशर्स आपको आपके राइट्स नहीं देंगे, अकॉर्डिंग टू औरोबिंदो घोष। बाल गंगाधर तिलक अगेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, इनका क्या मानना था, ये बोल रहे थे कि जो आईएनसी है उनको यही नहीं पता कि बैगिंग द राइट्स और क्लेमिंग द राइट्स में फ़र्क क्या है। बाल गंगाधर तिलक बोल रहे हैं कि जो आईएनसी है वो अपने राइट्स को बैक कर रही है, उनसे भिखारियों की तरह मांग रही है, जबकि हमारे राइट्स है, हमारे हक हैं, हम अपने राइट्स क्लेम करेंगे, ना कि हम भिखारियों की तरह मांगेंगे। फिर थर्ड आते हैं बिपिन चंद्र पाल, अगेन एक्सट्रीमिस्ट लीडर, तो इनका क्या मानना है, ये भी वही इनकी थिंकिंग थी, आईएनसी प्लेइंग विद बबल्स, कहते आईएनसी जो है वो तो एक बबल्स के साथ खेल रही है, इनका आगे कुछ नहीं होने वाला। फिर शुरू होती है एक्सट्रीमिस्ट फेज 1905 से। आप देखो 20 साल हो गए आईएनसी को आए हुए, कुछ नहीं फर्क पड़ा, ब्रिटिशर्स ने कुछ भी नहीं किया, ठीक है, वो भिखारियों की तरह मांग रहे हैं, अपनी डिमांड्स उनके सामने रख रहे हैं ब्रिटिशर्स के सामने, इसके चलते हुए ब्रिटिशर्स ने उनको इक्का दुक्का एक्ट्स लाकर दिए, और उसमें भी इंडियंस का कुछ भी लेना देना नहीं है, एक दो इंडियंस काउंसिल में एक दो इंडियंस की एंट्री हुई है, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि वहां पे मेजॉरिटी तो ब्रिटिशर्स की ही है ना, तो बात तो ब्रिटिशर्स की ही मानी जाएगी, तो इंडियंस का वहां कुछ नहीं हो रहा था, जिसके चलते हुए आए एक्सट्रीमिस्ट फेज, फिर हमारे इंडिया में एंट्री मारी एक्सट्रीमिस्ट फेज में। तो एक्सट्रीमिस्ट के आने का कारण क्या था, फर्स्ट रीजन था कि अब इंडियंस को पता चल गया था कि जो ब्रिटिश रूल है बहुत ही एक्सप्लॉयटेटिव है, ब्रिटिशर्स हमें एक्सप्लॉयट कर रहे हैं, वो हमारे साथ बहुत ज़्यादा धक्का कर रहे हैं, इस टाइम पे इंडियंस को पूरी तरह से पता चल चुका था। सेकंड रीज़न था इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस, अब इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस से इंडियंस को पता चला कि जो यूरोपियन है वो इतने भी ज़्यादा सुप्रीम नहीं है, यूरोपियन सुप्रीमेसी एक हमारे लिए मिथ ही है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उनको हरा ही नहीं सकते, अगर हम भी चाहें तो हम भी उनको हरा सकते हैं। ये उनको कैसे पता चला, फिर उन्होंने देखा कि इंटरनेशनली जो इथोपिया है, इथोपिया ने इटली को हरा दिया 1896 में, फिर 1899 में हुई बोर वॉर्स जिसमें भी ब्रिटिशर्स हार गए थे, फिर 1905 में हुई थी जापान और रशिया की वॉर जिसमें जापान ने रशिया को हरा दिया, तो फिर इंडिया वालों को लगा कि अगर ये लोग उनको हरा सकते हैं ब्रिटिशर्स को, यूरोपियंस को, तो हम क्यों नहीं हरा सकते, हम भी तो यूरोपियंस को हरा सकते हैं ना, तो जिसके चलते हुए एक्सट्रीमिस्ट फेज की शुरुआत हुई थी। थर्ड रीजन था डिससेटिस्फेक्शन विद द अचीवमेंट ऑफ मॉडरेट्स, अब 20 साल तक जो मॉडरेट आईएनसी में जो मॉडरेट डिमांड्स वो रख रहे थे, उसके चलते हुए ब्रिटिशर्स ने इनको कुछ भी नहीं दिया, इसीलिए इनको लगा कि अभी आराम से बैठने से कुछ नहीं होगा, अभी लड़ाई करनी ही पड़ेगी। फोर्थ रीज़न था रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन, कर्जन ने 1904 में लेकर आया था कैलकटा कॉरपोरेशन एक्ट, फिर 1905 में आया इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट, और 1905 में एक पार्टीशन ऑफ बंगाल भी हो गई, जिसके चलते हुए इंडियंस को पता चला कि अभी जो ब्रिटिशर्स हैं ना वो हमारे साथ डिवाइड एंड रूल वाला खेल खेल रहे हैं, क्योंकि बंगाल की पार्टीशन सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स ने इसीलिए करी थी। फिफ्थ रीज़न था कुछ मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट्स आ गए, ट्रेंड लीडरशिप आ गई, जिसके चलते हुए भी इंडियंस को पता चला कि चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, अब तो हथियार उठाने ही पड़ेंगे, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, नेक्स्ट हम करेंगे प्रोमिनेंट एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, जिसमें हम पढ़ेंगे लाल बाल पाल एंड औरोबिंदो घोष के बारे में, और साथ में हम पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में भी थोड़ा बहुत देखेंगे, राइट। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।